मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूँ। आज के दिन में आपके लिए वचन बोलना मेरे लिए आनंद है। ये आनंद कहाँ से मिली? जी हाँ, यीशु मसीह उद्धारकर्ता हमारा जीवन में आने से वो आनंद मिलता है। आप में मुझ में क्या संबंध है? यीशु के द्वारा हम सब एक परिवार का सदस्य है। यीशु में आने वालों को भेदभावना नहीं देखते हैं, किसी जाति का भेदभाव नहीं देखते, सबको एक समान प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु से जो कोई मिलने आते हैं वो सबको बराबरी रूप में देखते हैं और एक समान प्रेम करके हमसे वो आशीष को देख के हमारा जीवन में उन्नति में लाते हैं। भजन 90 अध्याय का 14 वचन में बोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। हे प्रभु, प्रति बोर तेरे अनुग्रह से हमें तृप्त करने से हम जीवन भर हम जय जयकार करते रहेंगे। क्या इस दुनिया के सारे लोग आनंद और खुशी के साथ रहते हैं? कभी नहीं। वे इतना कमाते हैं, इतनी धन दौलत को बटोर कर रखते हैं, उनके जीवन में क्या खुशियां रहती है? नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें आनंद को देता है। प्रतिबोर परमेश्वर की अनुग्रह हमारे पास रहने से आनंद के साथ रहेंगे। क्या आज प्रभु के पास आए हैं? नहीं, वाकविद जीसस को देखते हैं, वो हमारे लिए पर्याप्त है, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे नहीं, बोर में उठ के परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उससे आपको अनुग्रह मिलते रहेगा। एक बार मैं रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। उस वक्त मेरे साथ और मुख्य अतिथि के रूप में एक व्यक्ति यात्रा किए हैं। मुझे लगा है वो बड़े जो है सरकारी पद पर है, ऊंचे पद पर है और धनवान भी है। सारे आने जाने वाले उनको प्रणाम करने लगे, उनको आदर सम्मान किए हैं, उनसे ज़्यादा बातें की और ज़्यादा लोग उनको मिलने के लिए चाह रहे थे। मैं पहचान लिया बड़ा व्यक्ति है। और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगा और वे मुझको भी देखें और वो भी मुझे पहचानने में आगे हैं, वो कहते हैं आप भी बड़े व्यक्ति हैं और सेवा भी करते हैं ना। और उन्होंने कहा, भाई ये आदर सम्मान जब मिलती है ना, ये मुझे तृप्त नहीं करता। मैं बोर में उठ के प्रभु के चरणों के पास जाता हूँ, बाइबल की वचन को पढ़ता हूँ और उसके द्वारा मुझे अनुग्रह मिलती है ना, मैं बहुत ही सौभाग्य के रूप में समझता हूँ। ये मान मर्यादा आदर सम्मान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं प्रभु को और उसकी सामर्थ को ही चाहता हूँ, वही मेरे जीवन में आनंद की बात है। जी हाँ, आपका जीवन में, मेरे जीवन में यही हकीकत है। प्रभु के पास आके प्रार्थना करते हैं और ताकत को प्राप्त करने से हमारे लिए अनुग्रह मिलती है, यही जो है आत्मिकता में हकीकत है। इसलिए प्रति भोर उठ के बाइबल के वचन को दिल से अध्ययन करेंगे और परमेश्वर की चरणों के पास आके और दिल की गहराई से जब प्रार्थना में हम संगति को रखते हैं, उसके द्वारा ही हमें आनंद मिलता है और ताकत मिलता है। इसके बराबरी कितने पैसा भी देने से और कोई ताकत इसमें नहीं मिल सकता है। परमेश्वर ही ऐसे अनुग्रह को हमें देते हैं। भोर में उठ के प्रभु के पास आके दुआ करना है। क्या आपके जीवन में अनुभव है इस प्रकार की बोर में उठ के? हाँ, जी हाँ, आज अर्पण करना है, प्रभु से कहना है मैं इस अनुभव के लिए अपने आप को अर्पण करता हूँ, प्रभु तू सामर्थ को देना है। क्या आप अर्पण करेंगे? जी हाँ, हे प्रभु मैं आज अर्पण करता हूँ, बोर में उठ के प्रार्थना करना है और उसी अनुग्रह के द्वारा मेरे जीवन के बल को प्राप्त करना है। प्रतिदिन तेरे चरणों के पास आने के लिए इनको अनुग्रह देना, इस बेटा इस बेटी इनके मन में जो कुछ आज दुख है बोझ है उन सबको तू दूर करना है, इनके जीवन में आनंद को देना है। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।